हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल तंजीला किचन रेसिपीज़। तो आ गई हूँ मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी लेकर, जो कि है ब्रेड का डिज़र्ट। इसे हम शाही टुकड़ा भी बोलते हैं। ये बहुत ही झटपट बनकर के रेडी हो जाता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप जो है इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही इजी है बनाना और ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगा आपको इंशाल्लाह। तो आइए इस शानदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो शाही टुकड़ा बनाने के लिए मैंने जो है कुछ ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। तो ये मैंने 8 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है उतना ब्रेड आप ले लीजिए। तो ये देखिए, आप इस तरीके से भी इसे कट कर सकते हैं। तो कुछ ब्रेड को मैं इस तरीके से कट कर लूँगी और कुछ को जो है ऐसे ही रहने दूँगी। आप जैसा चाहें वैसा जो है कट कर सकते हैं इसे। तो अभी जो है हम जो है इसकी सबसे पहले चाशनी बना करके रेडी करेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने जो है 2 कप चीनी लिया है। तो 2 कप चीनी में हम जो है 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। तो आप मेजरमेंट का अच्छे से ध्यान रखें। तो अब जो है हम चीनी को अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे सबसे पहले। तो अभी जो है हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और चीनी मेल्ट होने के बाद मैंने इसे 2 से 2.5 मिनट पकाया है लगभग। हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है इसे। तो अब बस हमारी चाशनी बनकर के रेडी है। तो ये जो है मैं 1 चम्मच इसमें रोज वाटर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हम शाही टुकड़े बना रहे हैं तो इसे जो है बहुत ही अच्छा खुशबू आएगी हमारे शाही टुकड़ों में। तो आप चाहें तो इसकी जगह इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब जो है ये देसी घी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था एक साइड में। तो अभी हमारा घी जो है गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें जो है हमारे ब्रेड को फ्राई कर लूँगी अच्छे से। आप चाहें तो डालडा घी भी ले सकते हैं, लेकिन ऑयल ना लें, क्योंकि उससे जो है बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो अब जो है हमें इसे मीडियम फ्लेम पर और अलट पलट करते हुए इसे जो है फ्राई करना है। आप हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करें इसे, नहीं तो ये ब्रेड जो है जल सकता है। तो ये देखिए, हमने अलट पलट करते हुए इसे फ्राई कर लिया है और गोल्डन ब्राउन हमें इसे फ्राई करना है। ये देखिए, अच्छी तरीके से ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है हमारा। तो अब जो है हम इसमें चाशनी में ऐड कर देते हैं तुरंत। तो हमारी चाशनी जो है ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडी है। लगभग 5 मिनट मैंने इसका गैस का फ्लेम ऑफ करते हुए हो चुके हैं चाशनी का। तो हमारी चाशनी जो है गुनगुनी है। तो अभी जो है हमें इसमें सारे ब्रेड को डाल दिया है। तो अब ब्रेड जो है हमें चाशनी में तब तक रखना है तब तक हमारा दूसरा बैच जो है फ्राई होकर रेडी नहीं हो जाता। तब तक ही हमें इसमें रखना है, हमें ज़्यादा जो है इसे चाशनी में नहीं रखना है, नहीं तो हमारे ब्रेड जो है टूटने लगेंगे। तो अभी जो है हम दूसरा बैच हमारा जो है फ्राई कर लेते हैं। तो ये जो है मैं ये पूरा ब्रेड लिया है, इसे फ्राई कर लेती हूँ। तो अब जब तक हमारा ये ब्रेड फ्राई होता है तब तक हम जो है चाशनी में पड़े रहने देंगे हमारे ब्रेड को। तो ये जो हमारा फ्राई होने वाला है, तो अब हम जो है इसे निकाल लेंगे। तो आपको जो है एक बात ध्यान रखनी है कि ना ही हमारी चाशनी ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा पतली होगी आपकी चाशनी तो हमारे जो ब्रेड है वो टूट जाएंगे, और अगर ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो हमारे जो ब्रेड है वो चाशनी को अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। तो अब इसी तरीके से हम शाही टुकड़े सारे बना करके रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे सारे जो शाही टुकड़े बन करके एकदम रेडी हो चुके हैं। तो मैंने जो है इस तरीके से इन सारे को जमा लिया, आप देख सकते हैं। और एक टुकड़ा का जो है मैंने ये छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, ताकि हम जो है सारे जो है गैप जो है बच चुके हैं उसे अच्छे से भर लें हम ये इस तरीके से। तो अब जो है हमारी जो बची हुई चाशनी थी उसे हम अच्छे से ऊपर डाल देंगे इसे। ये देखिए इस तरीके से, तो सारी चाशनी को हमने जो है इसके ऊपर डाल देना है अच्छे से, ताकि अच्छे से चाशनी में भीग जाए हमारे शाही टुकड़े। चारों तरफ से अच्छे से फैलाना है इसे हमें। तो अब जो है हम इसे रख देंगे और अब हम जो है हमारी रबड़ी बनाएंगे। तो रबड़ी बनाने के लिए मैंने जो है एक कढ़ाई में 1.5 कप के करीब दूध लिया है। ये ग्राम में जो है हमारा दूध जो है 350 ग्राम है। तो ये 1.5 कप दूध ले लिया है मैंने। अब जो है मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है थोड़ा दूध जो है ज़्यादा ले लीजिए और उसे जो है जिस तरीके से हम रबड़ी बनाते हैं चलाते हुए
लेकिन उसमें जो है हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर हम मिल्क पाउडर ऐड कर देते हैं तो लगभग 5 से 7 मिनट में ही हमारी जो रबड़ी है वो बन करके रेडी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मुझे 5 से 7 मिनट हो गए हैं, और ये देख के कितनी अच्छी तरीके से हमारा दूध जो है गाढ़ा हो चुका है। तो अगर आप मिल्क पाउडर नहीं ऐड कर रहे हैं तो आप अच्छे से इसे पका लें दूध को। तो ये जो है 1 चम्मच में कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ अभी। तो ये कस्टर्ड पाउडर से जो है हमारी रबड़ी अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं, लेकिन कस्टर्ड पाउडर से जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी रबड़ी में। तो अब जो है इसमें 2 से 3 चम्मच जो है मैंने पानी ऐड कर दिया है 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर में, और अच्छे से अभी हम इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हम जो है इसे थोड़ा थोड़ा करके हमारे दूध में अभी ऐड करेंगे, ताकि हमारा दूध जो है बहुत अच्छे से गाढ़ा हो जाए। ये देखिए अभी हमारा दूध अच्छे से हो चुका है। तो अब हम कस्टर्ड पाउडर डालेंगे इसमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कस्टर्ड पाउडर मैंने डाल दिया है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से थिक हो चुका है हमारी जो रबड़ी है। तो हमें बिल्कुल भी इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, कस्टर्ड पाउडर के डालते ही जो है हमारी रबड़ी अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। तो अब जो है हमारी रबड़ी को जो है हम हमारे शाही टुकड़ों में डाल देंगे। तो ये देखिए हमारी रबड़ी एकदम रेडी है। और ये कुछ मैंने बादाम लिए हैं जिसे कट कर लिया है ऊपर से गार्निशिंग के लिए, ये ऑप्शनल है। तो अब जो है हम अच्छे से हमारी रबड़ी को जो है शाही टुकड़ों के ऊपर डाल देंगे। तो चारों तरफ से हमें अच्छे से डालना है इसे, ताकि कोई भी हिस्सा छूट ना जाए। ये देखिए, तो ये रबड़ी जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे ऐसे भी खाना चाहे तो खा सकते हैं, लेकिन अगर आप रबड़ी डालेंगे इसके ऊपर तो इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस आएगा। तो ये देखिए अब मैं जो है इसे बादाम कट करे थे जो मैंने वो डाल रही हूँ इस पे। तो अब जो है इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे हम, जब तक हमारी रबड़ी जो है अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी, और फिर जो है हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी रबड़ी जो है अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है, और आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्टली जो है हमारा शाही टुकड़ा बन करके रेडी हुआ है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, आगे भी मैं आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देती रहूँगी। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।